सच्चे हो भैरव बाबा भाई यार, ठंडे पानी से नहा रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि ऊपर भैरव बाबा के भी नहीं जाने दे रहे। गिर नहीं जाऊं बस ये डर लग रहा मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जब केदारनाथ आ रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन कैसे करें, कैसे जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो देखो ये है बाबा का मंदिर और एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट के पास में ये सीढ़ियाँ जा रही है। सीढ़ियाँ चढ़ के आपको इस साइड में आ जाना है। बिल्कुल सामने रास्ता जा रहा है ये। यहाँ से आप जाओगे तो ये भैरव बाबा के मंदिर की तरफ ही रास्ता जाता है। और भी रास्ते हैं लेकिन मैं आपको ईजी बता रहा हूँ। दर्शन किए एग्जिट हुए, एग्जिट होने के बाद सामने जो गली जा रही है इसके अंदर आपको जाना है और बीच में भंडारा भी मिलेगा, वो भी आप खा सकते हैं। भाई गर्म पानी से नहा रहा है, ठंडे से बिल्कुल चिल्ड है भाई। देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, इतनी बर्फ पड़ी है भाई, ठंडे पानी से नहा रहा है। देखता हूँ ठंडा है या नहीं है यार। चिल्ड पानी है भाई, चिल्ड है भाई, मानना पड़ेगा भाई। यहीं रहता है भाई ना भैया, मेरठ से आए। मेरठ से आए भाई, मार मार के मोर बना दूंगी। डायलॉग बहुत फेमस है मेरठ का, अर्चना गौतम। भाई यार ठंडे पानी से नहा रहा है। क्या चल रहा है? मजा आ रहा है। तो कहाँ रुके हो? कहीं रुके नहीं जी, कहीं नहीं रुके हो। तो देखो मजा आ गया, नींद से तरके बिल्कुल। इस गली से आपको निकल के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो एक भंडारा भी चल रहा है यहाँ पे, भंडारा वगैरह आप खा सकते हैं। उसके आगे आप जा सकते हैं भैरव बाबा के। मैं पूरा आपको लोकेशन बता रहा हूँ। हाँ जी, ये देखो यहाँ से सीधा एक ब्रिज आपको क्रॉस करना है। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये लोकेशन आ गई जहाँ पे भंडारा लग रखा है और इस यहाँ से आपको आगे जाना है। तो गाइस ये यहाँ पे भंडारा चल रहा है और यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद लास्ट ट्रैक चालू हो जाएगा बाबा भैरवनाथ का, और लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक मान के चलो यार, काफ़ी ऊपर तक जाना है। और ये आ गया ब्रिज जो कि क्रॉस करके जाना है। यहाँ बह रही है रिवर और स्नोफॉल हो रहा है भाई, हेलीकॉप्टर आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो देख लो कितनी स्नोफॉल हो रही है, उधर ही आ रहा है। अभी सुनने में तो आ रहा है कि ऊपर भैरव बाबा के भी नहीं जाने दे रहे, लेकिन मैं जा रहा हूँ, देखते हैं अगर रोकेंगे तो वापस आ जाऊँगा। आपको ट्रैक दिखाना भी ज़रूरी है। देखो अभी जो यात्रा को रोका गया है ना, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्फ़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, बार बार स्नोफॉल हो रही है। यहाँ से शुरू हो जाएगा ट्रैक। 2-3 रास्ते हो रहे हैं बट ये सही रास्ता मैंने आपको बताया, जो एग्जिट किया, एग्जिट के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। ये लिखो है भैरव मंदिर मार्ग। जय भैरव बाबा की। भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फिसलन बहुत ज़्यादा है तो आराम से चलना पड़ेगा। फिसल गए ना तो एक बार तो लग ही चुकी है, एक बार और लग जाएगी। 360 को अंदर रख लेता हूँ। कहाँ जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हेलीकॉप्टर उधर भी लोगों की भीड़ है तो उधर जाके आना पड़ेगा एक बार। ये मेरे हिसाब से एक और हेलीपैड बना रखा होगा सर। तो भाई ऊपर आने के बाद तो और ज़्यादा स्नोफॉल होने लग गई है और चलने में भी दिक्कत आ रही है, फिसलन बहुत ज़्यादा है। बट अब थोड़ा सा दूर रह गया है भैरव बाबा का मंदिर और यहाँ से जो व्यू मिलता है ना केदारनाथ बाबा के यहाँ का, बहुत प्यारा मिलता है। ये देखो हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्टीमेट व्यू यार। पिछली बार आया था तो ऐसा व्यू नहीं देखने के लिए मिला था, लेकिन इस बार तो बहुत प्यारा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। और ऊपर चलता हूँ भाई, फिसलन है, गिर नहीं जाऊँ बस ये डर लग रहा मुझे। फिसलन तो नहीं है भैया, आगे गई नहीं। तो भैया तो आधे रास्ते लौट रहे हैं, फिसलन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, क्या होने वाला है पता नहीं। भर भर महादेव। व्यू देखो यार गाइस, मैं भैरवनाथ के जो
ट्रैक है, गिरते गिरते चल रहे हैं यार, गिरे हुए इंसान बन गए यहाँ पे आने के बाद। तो आधा ट्रैक पूरा कर लिया है, आधा ट्रैक और है। भैया है कानपुर से, क्या नाम है भैया? प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा जी, और देखो यार स्नोफॉल हो रहा है तो मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा चलने में दिक्कत भी आ रही है, लेकिन आप लोगों को भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करवाने हैं तो चलना तो है ही है। व्यू बहुत है प्यारा है भाई, ये देखने के लिए आके तरसती है, और स्पेशली स्नोफॉल हो रहा है, ये भी बहुत मुश्किल से दिखता है स्नोफॉल। और देखो बर्फ यहाँ पे हटा रहे हैं, जो रास्ते में आ गई है बर्फ, तो ऐसे काम यहाँ पे चलता रहता है। बस ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर, फाइनली पहुंच गए। गाइस ये है भैरव बाबा का मंदिर, मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ से बर्फ हटाई जा रही है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है, स्नो यहाँ पे। जय भैरव बाबा की, जय हो बाबा की। चलो चलो चलो, ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर। जय हो, ये आ गया गाइस हम भैरव बाबा के मंदिर। पैर पे देखो यार, पूरे चला ही नहीं जा रहा, सुन हो गए पैर। जय हो भैरव बाबा, भैरव बाबा की जय हो। यहाँ से व्यू देखो, केदारनाथ का व्यू बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यार गाइस, अल्टीमेट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको भैरव बाबा के दर्शन करा दिए हैं, भैरव चोटी भी इसको बोला जाता है, तो आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं। मैंने आपको पूरा ट्रैक बता दिया कैसे आपको आना है, सारी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं वापस नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतरने के बाद और कोई जानकारी देने के लिए होगी तो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे लोग मजे ले रहे हैं स्नो का, और इसको बना दिया है फिसल पट्टी, और यहाँ से एक बार में नीचे लिफ्ट हो गई एक तरह की है। 1 2 3 गो। ओ भोले भोले बोल, अनबैलेंस हो गया भाई। जय भोले, चल रहा है दादा, सुन रास्ता क्लीन करके जा रहा है भाई। तो मोटा है ना दादा।